हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे वोटर आईडी पे करेक्शन कैसे करना है। जैसे कि डेट ऑफ बर्थ हो, एड्रेस हो या नाम चेंज करना है अपने वोटर आईडी पे, तो ये है गवर्नमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट nvsp.in, नेशनल वोटर सर्विसेज पोर्टल। एक करेक्शन हम लोग बिल्कुल ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके लिए कोई हमें फिजिकल फॉर्म साइन करके भेजना नहीं है, और कुछ रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हमें अपलोड करने होंगे। तो चलो हम देखते हैं। ये है करेक्शन ऑफ एंट्रीज इन इलेक्ट्रोल रोल। इस पे आप क्लिक करोगे तो ये फॉर्म आएगा। ये फॉर्म 8 है, और यहाँ एक ऑप्शन है, आपको हिंदी में ये फॉर्म देखना है या इंग्लिश में देखना है या मलयालम भी। ऑप्शन 3 ऑप्शन है, तो आपको जो सही लगे वो आप सिलेक्ट करो। सो फ्रेंड्स, ये मैंने मेरा थोड़ा सा फॉर्म भर दिया है। यहाँ आपको आपका स्टेट सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपका जो असेंबली आता है वो यहाँ सिलेक्ट करना है। ये मेरा मैंने सिलेक्ट कर दिया। यहाँ आपको आपका नेम और सरनेम टाइप करना है, तो उसके बाद ये पार्ट नंबर आपको आपके वोटर आईडी पे मिलेगा, वो पार्ट नंबर इधर डालना है, और सीरियल नंबर भी आपको वोटर आईडी पे मिलेगा। अगर आपको ये वोटर आईडी पे नहीं मिलता है तो हम लोग वोटर आईडी कार्ड अपना डाउनलोड भी कर सकते हैं, उसका वीडियो मैं अलग से अपलोड करूँगा ही। और उसके बाद आपको क्या क्या चेंजेस करने हैं। अभी मेरा डेट ऑफ बर्थ गलत है वोटर आईडी पे, तो मुझे डेट ऑफ बर्थ करेक्ट करना है, और मेरा एड्रेस मुझे करेक्ट करना है। और उसके बाद आपको इधर आपका करेक्ट, अगर आपको एड्रेस चेंज करना है तो इधर आपका करेक्टेड एड्रेस फिल करना है, और यह आपको डेट ऑफ बर्थ आपका फिल करना है। उसके बाद आपको जेंडर सिलेक्ट करना है, रिलेशन सिलेक्ट करना है, और यहाँ जो सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स है आपको अपलोड करने हैं। और वो डॉक्यूमेंट का डॉट फॉर्मेट ये होना, JPG, ये 4 फॉर्मेट में ही आपको ये अपलोड करना है डॉक्यूमेंट लिस्ट। और उसके बाद आपको मोबाइल नंबर यहाँ मेंशन करना है, ईमेल आईडी मेंशन करना है। जो भी आप डिटेल्स दोगे वो करेक्ट डिटेल दो, क्योंकि जो मैसेज आएगा या ईमेल आएगा वो आपके जो आप मेंशन करोगे वो आईडी पे या नंबर पे आएगा। सो डॉक्यूमेंट लिस्ट में आपको ये बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हो, या मार्कशीट आप दे सकते हो, 10th का, 8th का, या 5th का, इंडियन पासपोर्ट दे सकते हो, पैन कार्ड भी दे सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस और आधार कार्ड। आधार कार्ड देते हो तो आपका सब कुछ हो जाता है। नेम चेंज हो, या आपका एड्रेस हो, या आपका डेट ऑफ बर्थ हो, तीनों चीज़ें आधार कार्ड में आ ही जाती है। यहाँ से आपको आपका अपलोड करना है आपके डॉक्यूमेंट्स, और एज प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, ये दो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं। इतने सारे ऑप्शंस है आपको चेंजेस करने। अगर आपका पुराना फोटोग्राफ है, अगर आपको चेंज करना है वो भी चेंज कर सकते हो। एज, नेम, नेम ऑफ रिलेटिव, टाइप ऑफ रिलेशन, जेंडर, ये इतने सारे ऑप्शंस है। आपको जो सिलेक्ट करना है वो करके आप आपका करेक्शन कर सकते हो। फ्रेंड्स, एड्रेस प्रूफ में आपको आधार कार्ड के लिए ऑप्शन नहीं है, तो इतने सारे बाकी ऑप्शन है, इसमें से कौन सा भी आप डॉक्यूमेंट दे सकते हो। तो ये अपलोड करके आपको यहाँ जो भी आप अपलोड कर रहे हो उसे सिलेक्ट करो, और बाद में आपको ये डिटेल्स डाल के सबमिट करना है। मैं भी मेरा डिटेल्स भर के अभी सबमिट कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, और एक ध्यान रखें कि हम जो डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे उसका साइज 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज यू विल गेट एरर लाइक दिस। तो प्लीज़ उसका ध्यान रखें। आपको जो 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 चेंज करना है वही वही सिर्फ आपको दिखेगा, अदरवाइज बाकी सब हाइड होगा। जैसे कि ऊपर जेंडर है लेकिन मैंने टिक नहीं किया, तो यह आपको ये चेंज नहीं करने देगा, ये हाइड है। वैसे ही अभी ये डॉक्यूमेंट्स मैंने अपलोड किए हैं, मैंने आधार कार्ड अपलोड किया है, और मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिल अपलोड किया है। और उसके बाद मैं यहाँ मेरा ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर डाल के, मेरा प्लेस डाल के सबमिट कर देता हूँ, और ये हो गया मेरा सबमिशन। अभी आपको रेफरेंस आईडी मिलेगा, और रेफरेंस आईडी के थ्रू आप ये ट्रैक कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी। ऐसे आपको सर्च करना है।